आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में किसान सम्मान निधि योजना 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जानिए किसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ और किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2020 में अगर आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको लेकर नया तरीका आ चुका है, नया अपडेट जो है आ चुका है। और दोस्तों अगर आपको अभी तक चौथी किस्त नहीं मिली है तो हम आपको बता दें कि चौथी किस्त जो है प्रोवाइड होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पे निकल के सामने आ रही है। अब किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये जो दिए जाएंगे। तो दोस्तों सभी किसानों के पास आखिरी मौका है। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मेन साइट पर जाके ओपीएसएल जो साइट है उसके ऊपर जाके आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें और वहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चौथी किस्त वाकई में मिल रही है या फिर कोई गलत जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको उस खबर की ओर ले चले, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए इस चैनल के ऊपर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड किसान भाइयों के लिए जितनी भी योजनाएं आती हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चाहे तो आप हमारे चैनल का विजिट करके ऑल वीडियो आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी के वीडियो मैंने उपलब्ध करा रखे हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पे दी जाती है बिल्कुल फ्री में, ताकि आप जल्द से जल्द उन स्कीमों का लाभ ले सके। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का अगर नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में इस तरीके से एक छोटे से बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर पाए। और दोस्तों जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों किसान भाइयों के भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चौथी किस्त प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आप जैसे ही इस मेन साइट के ऊपर आएंगे pmkisan.gov.in पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो मेन साइट है, तो आप यहां पे आएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अंतर्गत आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं समस्त राज्यों की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के सामने अपना यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे कितने किसानों को यहाँ पे किस्त प्रोवाइड हो चुकी है, पहली किस्त कितने लोगों को मिल चुकी है, सेकंड किस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,000, थर्ड किस्त जो है 14,000 लगभग, और फोर्थ किस्त भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,319। तो यहाँ पे चौथी किस्त भी जो है लोगों को प्रोवाइड होने लग चुकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत भी आप यहाँ पे फोर्थ किस्त लगभग हम बात करें तो 1,52,000 लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है। तो दोस्तों सभी लोगों को यहाँ से जल्द किस्त जो है प्रोवाइड हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथी किस्त भी यहाँ पे प्रोवाइड होने लग चुकी है, लगभग सभी राज्यों में चौथी किस्त यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको अभी तक चौथी किस्त नहीं मिली है, तीन किस्तें आपको प्रोवाइड हो चुकी है, तो आपको चौथी किस्त भी दी जाएगी, यानी कि इस स्कीम के तहत अब जो है 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये आपको दिए जाएंगे चार किस्तों के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जैसे आप मेन साइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहां से जो नए किसान है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस स्कीम का लाभ नहीं लिया है, वो यहां से नया अपना फॉर्म जो है आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड में नाम से संबंधित अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो आप जैसे ही एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नाम से संबंधित शुद्धिकरण कर सकेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस के अंतर्गत आप जो है तमाम अपने अकाउंट की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी किस्तें प्रोवाइड हो चुकी है, बाकी की किस्तें आपको कब मिलेंगी,
आपके अकाउंट नंबर या जो भी आपका गलत है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने क्या गलत फीड किया है जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिला है। बेनिफिशियरी लिस्ट के अंतर्गत आप जो है अपने राज्य के अंतर्गत आपका जो गांव है, आपके गांव के अंतर्गत किन किन लोगों को इस स्कीम में लाभ दिया जाएगा उनके नाम आप यहां पे देख सकते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको भी इस स्कीम के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन /CSC फार्मर ये नया फीचर इसमें ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत जो है आप अपना खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ है, सक्सेसफुल्ली हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, किस कारण से कहाँ पे आपका फॉर्म जो है पेंडिंग दिखा रहा है, कहाँ पे अप्रूवल नहीं हो पाया है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों पांचों ही टॉपिकों के बारे में मैंने हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चलिए मैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जैसे आप हमारे चैनल की होम स्क्रीन में आएंगे तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके पहले देखो पहले सीखो किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों अगर आप हमसे लाइव बात करके आप जानकारी चाहते हैं कि आप आने वाली समस्याओं की जानकारी आप लेना चाहते हैं लाइव बातचीत करके, तो इसके लिए हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है। तो दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए तो आप यहां पे देख सकते हैं माई किसान व्लॉग यूट्यूब चैनल के नाम से आपको दिखाई देगा RK किसान हेल्प सेंटर। इसके यहां पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके बेल के आइकन को ऑन कर ले। इस चैनल पे मैंने लाइव आना स्टार्ट कर दिया है। इस चैनल पे मैं लाइव आके किसानों से बात करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका समाधान यहाँ पे करता हूँ। हमारे मेन चैनल पे जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सभी कमेंट्स का यहाँ पे मैं आके लाइव आके रिप्लाई करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडिया TV की जो हाईलाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप क्रिकेट या स्पोर्ट्स के दीवाने हैं। हर प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे थर्ड नंबर पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो आपको इन प्लेलिस्ट के अंतर्गत से सरकारी योजनाओं के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर आपको आना है। जैसे आप उसके ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर क्लिक करके जैसे आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी योजनाओं की यहाँ पे प्लेलिस्ट में 146 वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इन वीडियो में आपको तमाम गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी मिलेगी और जिन पांच टॉपिकों की मैं बात कर रहा था उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जिस भी कैटेगरी का आप वीडियो देखना चाहे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है तो जानिए किसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ और किस प्रकार से होगी दस्तावेजों की आवश्यकता। यानी कि अगर आप एक किसान हैं, अगर इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस स्कीम का लाभ जल्द से जल्द ले सके। तो हम आपको बता दें तो यहाँ पे मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस स्कीम की शुरुआत की थी और इस स्कीम के तहत लगभग सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रोवाइड कराने का यहाँ पे ऐलान किया गया था। तो दोस्तों पहले इसमें जमीनी पाबंदी यहाँ पे रखी गई थी, 5 एकड़ से कम जमीन वालों को इस स्कीम में रखा गया था। लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव में जैसे ही मोदी सरकार आई तो यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत जो दायरा था जमीनी पाबंदी थी उस सीमा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और प्रत्येक लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ दिया जाने का यहाँ पे ऐलान किया। अब किन लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो संस्था गत भूमि धारक है, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार या राज्य केंद्र सरकार के साथ साथ PSU या सरकार स्वायत्त निकायों के सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर व वकील के साथ साथ 10,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों एवं अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशावरों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि हम बात करें तमाम MLA MP यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट नौकरी करता है, उन लोगों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, वकीलों को, इसके अलावा जिन लोगों की 10,000 से अधिक रुपए गवर्नमेंट द्वारा पेंशन आती है उन तमाम लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनको इस स्कीम के तहत जो है बाहर रखा गया है। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो हम आपको बता दें इसके लिए दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जैसे खसरा नंबर और खतौनी आपके पास होना चाहिए। यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में जिससे आपका पता चलेगा कि आप वाकई में एक किसान हैं। खतौनी जो है, खसरा जो है वो पटवारी बनाता है, इसमें जमीन की संपूर्ण जानकारी होती है,
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जमीन पर आप क्या कर रहे हैं, जमीन जो है आपकी उपजाऊ है या फिर आबादी के बीच में बसी हुई तो नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो है खतौनी। खतौनी के अंतर्गत हम आपको बता दें कि काफी गांवों के अंतर्गत क्या होता है, एक जमीन जो है, एक जमीन का जो टुकड़ा है वो काफी किसानों के यानी कि अपने 5-6 भाइयों के नाम होता है, तो उसके अंतर्गत आपको शेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट के ऊपर आपको तहसीलदार के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो भारत की पहचान है नागरिकता की। इसके अलावा आपको 6,000 रुपये पाने के लिए आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों बैंक अकाउंट इसमें किसी भी प्रकार के स्पेशल बैंक अकाउंट नहीं माना गया है। आपके पास किसी भी बैंक का, चाहे बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई सा भी बैंक हो, आपका उसके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसके जो IFSC कोड है वो आपके पास होना चाहिए और जो आपका अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक बहुत ही होना अनिवार्य है, अन्यथा दोस्तों आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो SMS के द्वारा आपको आपके मोबाइल नंबर पर या सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पंचायत समिति है वहां पे भी आपको लिस्ट लगाई जाएगी। अगर आप मोबाइल फोन से चेक करना चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में आप अपने मोबाइल पर किस प्रकार से चेक करें इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप भी एक किसान भाई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से नई और ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।